जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप यहां देख सकते हैं टोटल 303 पद निकाले गए हैं। यदि आपने LLB कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अदर राज्य वाले स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, एज क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी और कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं UPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, ओके। और आपको ये नोटिफिकेशन जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। आप यहां देख सकते हैं टोटल 303 पद निकाले गए हैं। 10 दिसंबर 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो यदि आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस ₹125 लगेगी, 125। और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहां ₹65 लगेगी, यानी ₹65 आपकी फीस लगेगी, ओके। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहां ₹25 लगेगी, ओके। यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म को भरेंगे तो आपकी फीस यहां जो है तो ₹125 ही लगने वाली है। उम्र सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो 22 साल से लेकर 35 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर सकते हैं। आप यहां ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपकी जो उम्र की गणना है, एज जो काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, ठीक है। तो यदि आप 1 जुलाई 2023 को 22 साल के पूछ जाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 साल से लेकर 35 साल तक के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी एज में छूट मिलेगी, ओके। तो आपको यहाँ पास 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो, ओके। इसके बाद सैलरी की अगर बात करें तो 27,700 रुपए से लेकर 44,700 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन मिलने वाला है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिविल जज की पोस्ट निकाली गई है, टोटल 303 पोस्ट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 123 पोस्ट रखी गई हैं, OBC के लिए 81, SC के लिए 63, ST के लिए 6 पोस्ट निकाली गई हैं और EWS कैटेगरी वालों के लिए यहां पास 30 पोस्ट निकाली गई हैं। तो सभी पोस्टों को मिलाकर यहां टोटल 303 पोस्ट निकाली गई हैं, ओके, 303 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। यदि आपने LLB कर रखा है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए, पहले आपका प्री होगा जो 450 नंबर का रहेगा, इसके बाद आपका मेंस होगा जो 1000 नंबर का रहेगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 100 नंबर का होगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 4 स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं प्री के सिलेबस के बारे में कि प्री में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, जनरल नॉलेज पे यहाँ 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। आपको 2 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा जनरल नॉलेज करने के लिए, ओके। इसके बाद आपका लॉ का पेपर होगा जो 300 प्रश्न रहेंगे जिसमें, और 300 नंबर के, और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 0.33 नंबर की यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/3 की यहाँ निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ओके। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान में रखिएगा और इसका डिटेल सिलेबस जो है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में ज्यादातर एक्ट ही पूछे जाएंगे, ओके। बात कर लेते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में, तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा।
आपका जो पेपर होगा वो 1000 नंबर का होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, ओके, क्योंकि यहाँ जो प्री में आपका होगा पेपर उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे और OMR फीट पर आपको गोला फिल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पास मेंस में जो आपका होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपके टोटल 6 पेपर होंगे मेंस में और 1000 नंबर का आपका पेपर होगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जनरल पहला जो पेपर होगा जनरल नॉलेज का 200 नंबर का आपका रहेगा, इसके बाद पेपर सेकंड होगा इंग्लिश का 100 नंबर का, इसमें भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद पेपर थर्ड होगा हिंदी का 100 नंबर का रहेगा, इसमें भी आपको निबंध लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पेपर फोर्थ होगा आपका लॉ फर्स्ट का, जिसमें सब्सटेंटिव लॉ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके बाद पेपर फिफ्थ है लॉ सेकंड का, प्रोसीजर एंड लॉ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके बाद पेपर सिक्स होगा, छठवां पेपर होगा आपका लॉ थर्ड से, यहाँ लॉ थर्ड है, पैनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉ, इन सब से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 200 नंबर का आपका होगा पेपर सिक्स। तो टोटल आपका यहाँ जो मेंस होगा वो 1000 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जब आप इसमें मेंस में क्वालिफाई कर लेंगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो 100 नंबर का होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सिविल जज के पद पर। तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन होता है, ओके। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको ये डिटेल सिलेबस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।